सेल्फ कार सर्विस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में मैं पुलकित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सोचा था कि लॉकडाउन और ये कोविड के टाइम में काफ़ी लोग मिस्त्री के पास जाने से घबराएंगे, पर कुछ उल्टा ही हो रहा है। लोग बड़े मज़े में घूम रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया। आज तक हमने अभी तक जो कर रहे हैं इस सीरीज़ में, वो हम कर रहे हैं गाड़ी की अभी तक एयर स्ट्रीम साफ, एयर स्ट्रीम क्लीनिंग हम कर रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे इंजन का फ्रिक्शन रिड्यूस, और उसके बाद हम करेंगे फ्यूल स्ट्रीम क्लीनिंग। एक और स्ट्रीम गाड़ी में होती है एग्जॉस्ट स्ट्रीम, उसको हम टच नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, ये बात है तकरीबन 2-3 साल पहले की। बढ़िया मौसम था, जैसे अभी बारिश हो रही है इस समय, कुछ कुछ ऐसा सही सीन तब भी था। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समस्या गाड़ी में तब आई थी। तब हमने गाड़ी परचेज़ की थी, और अब कोई नई गाड़ी है उसके कैरेक्टर के बारे में आपको पता नहीं होता। जैसे कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी है, आप बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ी में कोई भी समस्या आती है या फिर गाड़ी कुछ भी अंडर परफॉर्म करती है, कुछ भी होता है, तो आपको फट से पता चल जाता है कि गाड़ी में कुछ समस्या है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली कैसे चलती है। पर नई गाड़ी अगर ठीक ना चले तो उसके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको क्या पता है कि गाड़ी जो है ये इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका इंजन की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है, आपको नहीं पता चलेगा, प्रोफाइल आपको नहीं पता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। नई गाड़ी ली और जनाब वो मूवमेंट ही नहीं आता था, बढ़िया इतनी पावर ही नहीं थी। अब हमने ली तो बड़ी उम्मीद से थी कि बड़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि ह्युंडई की दो गाड़ियों को ऑलरेडी डीजल की गाड़ियों को एक्सपीरियंस था और बहुत सालों से था। अब रिस्पांस कुछ आया ही नहीं है, बढ़िया नहीं आया। तो कुछ टाइम में वेट करता रहा कि नई गाड़ी है, नई गाड़ी रवा होती है, खुलती है, ये होता है, वो होता है, खैर बहरहाल। लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरे को ह्युंडई जाना पड़ा, मैं मजबूर हो गया, ह्युंडई गया। तो ह्युंडई में जब मैंने बात बताई तो वहाँ का जो हेड मैकेनिक है, जो वहाँ का जो हेड टेक्नीशियन है, उसने फटाफट से गाड़ी का MAF सेंसर खोला और उसको एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से साफ किया। उसका लिंक मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको लेना नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड आइटम फॉर दिस पर्पस। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पे भी कि वो क्या चीज़ होती है। जब इन्होंने साफ़ किया थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से, तो इतना अच्छा इफेक्ट आया गाड़ी में कि जितनी भी वो प्रॉब्लम्स थी कि वो गाड़ी बिल्कुल दबरी थी और वो इफेक्ट नहीं आ रहा था, स्पीड नहीं पकड़ रही थी एंड ऑल दैट, वो सारी भाग गई, एकदम से भाग गई। तो इतना तो मेरी समझ में आ गया कि यार ये चीज़ है तो बड़ी इफेक्टिव। घर आके रिसर्च करी तो पाया कि जिन्होंने यूज़ किया वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए अलग से क्लीनर आता है, और इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करते थ्रॉटल बॉडी क्लीनर को सेंसर पे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इस पर परमानेंट जाके चिपक जाते हैं, और इसकी वजह से वो डैमेज कर सकते हैं। इसके तारे होते हैं पतली पतली सेंसर की, उसको ख़राब कर सकते हैं। बहरहाल, तो मैंने फटाफट सर्च किया भाई किस चीज़ से साफ़ करते हैं, तो पता लगा डेडिकेटेड क्लीनर आते हैं, MAF सेंसर क्लीनर ही बोलते हैं उसको। उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो 1800 से लेके 2000-2500 तक आते हैं, और जो ये थ्रॉटल बॉडी क्लीनर है 100 रुपये का आता है। तो इसलिए पैसे बचाने के लिए शायद ह्युंडई ने उस टाइम ये कर रखा हो, या कोई और रीज़न हो, आई डोंट नो। बहरहाल, जो भी रीज़न हो, खैर अभी मैंने गूगल किया तो पाया कि ये 8000 रुपये का बिक रहा है, क्योंकि फ़्लाइटें बंद हैं, कोविड का टाइम है, तो इसलिए शायद इस तरह की समस्या आ रही है। तो इसको मैंने तकरीबन 2300 रुपये के आसपास परचेज़ किया था। तो ये है, अभी मैंने इसको यूज़ करने का प्रोग्राम क्यों बनाया, क्योंकि जब मैंने अभी एयर फिल्टर साफ़ किया, उसके बाद जब मैं इसको री ऑयल किया, तो री ऑयल करने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स ऑयल की वो निकलती हैं फ़िल्टर में से, क्योंकि वो ऑयल लूज़ होता है। तो जब वो निकलती हैं तो सेंसर पर जाके बैठती हैं, अब सेंसर पर जाके बैठेंगी तो सेंसर काम करना कम कर देगा, बंद नहीं करेगा, कम कर देगा। तो इसकी वजह से जब भी हम एयर फिल्टर को री ऑयल करते हैं, तो उस टाइम पे इसको सेंसर को साफ़ करना ज़रूरी है कुछ दिनों बाद, ताकि जितना भी ऑयल निकला हो सब निकल जाए। एनीवेज, अब यही मैंने भी किया। अब कैसे किया, क्या करा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, छोटा सा मैंने कुछ क्लिपिंग्स उसमें निकाली हैं, बहुत ईजी है साफ़ करना, कुछ भी नहीं है। सेंसर खोलिए, उसके बाद जो है उसको स्प्रे की दी अच्छी तरीके से 2-3 बार, और वापस लगा दीजिए, दैट्स इट।
रिस्पॉन्स था जी ज़बरदस्त, दैट इज़ अ वन वर्ड, क्योंकि मैंने इसको पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है जब Hyundai वाले ने यूज़ किया था वो 100 रुपये की बोतल। अब आई न्यू ओके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आना ही है, सो आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि भैया रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया आने वाला है, नो डाउट। अब ये कहना कि गाड़ी का पूरा प्रोफाइल ही चेंज हो गया, इंजन की प्रोफाइल चेंज हो गई, वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी की आवाज़ बदल गई या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्क कहाँ पड़ा है? फ़र्क पड़ा है थ्रॉटल के रिस्पॉन्स में। द मोमेंट यू प्रेस थ्रॉटल, एक्सलेटर आप दबाते हैं, तो दबाते ही ऐसा लगता है कि जैसे इंजन इंस्टेंटली आपकी बात को मान रहा हो, इंस्टेंटली आपका जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है। दैट इज़ द डिफरेंस दैट हैज़ हैपेंड। अब इस चीज़ का जो है माइलेज पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आपको थ्रॉटल का पूरा रिस्पांस मिल रहा है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है दोस्तों कि जब आपने फ़िल्टर साफ़ कर दिया, आपने EGR का सारा मैकेनिज्म, टर्बो की बॉडी सब साफ़ कर दी, अंदर से फिन साफ़ कर दी है, तो क्या होता है कि गाड़ी को लगता है कि गाड़ी में हवा तो पूरी जा रही है, आपका पूरा रास्ता क्लीन हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो सेंसर है MAF सेंसर, इट इज़ कॉल्ड मास एयर सेंसर। अभी मास एयर सेंसर क्या करता है कि ये पता लगाता है कि गाड़ी में हवा एक्चुअली में कितने वॉल्यूम में जा रही है, कितनी हवा वो ले रही है। अगर ये गंदा होगा तो बेसिकली क्या होगा कि गाड़ी को लगेगा कि गाड़ी में हवा अब भी कम जा रही है। हाँ, एक तरफ तो हमने हवा पूरी खोल दी, रास्ता खोल दिया, लेकिन उसको पता चला ही नहीं कि भाई गाड़ी में हवा पूरी जा रही है, तो इसकी वजह से उसको लगता है अब भी कि गाड़ी में हवा नहीं आ रही है, तो इसकी वजह से वो अपना फ्यूल सप्लाई एंड एवरीथिंग कम खोलती है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद ऑल द कार्स, कि ये जो चीज़ होती है इसकी वजह से वो अपना फ्यूल सप्लाई पूरा नहीं खोलती है, थ्रॉटल रिस्पांस पूरा नहीं आता। जैसे ही हम मास एयर सेंसर क्लीन करते हैं तो एकदम से ही चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। मसलन के एकदम से ही जो गाड़ी को लगता है कि पूरी हवा आ रही है वो पूरा रिस्पांस देने लगती है, इन इफ़ेक्ट माइलेज भी इम्प्रूव होना चाहिए थियोरेटिकली, तो क्योंकि गाड़ी की पूरी प्रोफाइल आपकी चेंज हो गई। ठीक, तो किस चीज़ की? थ्रॉटल रिस्पांस की। अब इंजन के मैकेनिकल्स चेंज नहीं हुए, ऐसा नहीं कि गाड़ी स्मूथ हो गई या कुछ हो गया, एकदम ही रिस्पांस इम्प्रूव हो गया। खैर, तो मैंने जो लगाया इसका फ़र्क ये पड़ा कि एकदम से जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, हाथ के यार गाड़ी का रिस्पांस आ रहा है, और टर्बो लैग बहुत हद तक कंटेन हो गया है, बहुत हद तक बहुत बढ़िया रिस्पांस इसमें आया है। माइलेज में कितना फ़र्क पड़ा है मैंने नोटिस किया है, नोटिसेबल डिफरेंस है। कितना पड़ा है मैं आपको अगले एपिसोड में बताने वाला हूँ कि कितना फ़र्क इसमें पड़ा है। अब रही बात कि क्या ये वर्थ इट है, दोस्तों 8,000 रुपये की मैं नहीं समझता कि ये वर्थ इट होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आपको लेनी चाहिए, आपको शायद ये नहीं लेनी चाहिए इतने रुपये में। अगर ये आपको कुछ दिनों बाद 2300 रुपये की, 1500, 1800, 2200, 1800 रुपये की रेंज में मिलती है कहीं भी, आप इसको ज़रूर लीजिए, लगती बहुत कम है, आपको एक बार स्प्रे मारना है, एक बार स्प्रे मार के आप इसको चलाइए बहुत टाइम तक, आई थिंक आपकी एक बॉटल चलेगी कई साल तक, हल्का सा लगता है स्प्रे। और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप और कुछ फ्रेंड्स आपके मिल के इसको ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी अगर आपको चाहिए आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ा उसको चाहिए वो यूज़ कर लेगा, राइट, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही किफ़ायती प्रोडक्ट ये पड़ता है। 8,000 रुपये में तो नहीं, लेकिन हाँ 2,000 रुपये के आसपास डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। यदि आपकी कार पुरानी है, मतलब कि थोड़ी सी ओल्ड कार है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ी में तो ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कार करके दिखा देगा। नई गाड़ी में शायद जहाँ इतना गंदा आपका सेंसर नहीं हो तो आपको इतना इफेक्ट ये नहीं देगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।